नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर है हम। बिल्कुल अनु, और यूपी और उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का त्यौहार भी है। बिल्कुल, और ये खिचड़ी का त्यौहार है, इसमें क्या कुछ हलचल है इस दौरान यूपी में, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको चुनावी खिचड़ी के बारे में भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और सबसे पहले बात मकर संक्रांति की करेंगे। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व है और आज के दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व होता है। लोग सुबह से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल जया, मकर संक्रांति हर साल तब मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होते हैं। बिल्कुल, और देश के अलग अलग भागों में इससे जुड़ी मान्यताओं के अनुसार विधि विधान और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। देश के अन्य हिस्सों में पोंगल, भोगाली बिहू और साथ ही उत्तरायण तथा पोष पर्व मनाया जाता है। यहाँ फसलों की कटाई के मौसम का प्रतीक है ये, जब शीत ऋतु के समापन और बसंत का आगमन होता है। तो मकर संक्रांति का पर्व आज है और आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। गंगा स्नान और तमाम अनुष्ठानों के बीच में इसका भी बहुत खास ध्यान रखा गया है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर आज से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो रही है और 47 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस मेले में इस बार भी कई करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। बिल्कुल, आज मकर संक्रांति से शुरू होने वाले आस्था के इस मेले में 1 मार्च को महाशिवरात्रि तक ये मेला चलने वाला है। हालांकि इस बार के मेले पर कोरोना का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, माघ मेले में कोरोना अब तेजी से पांव भी पसारने लगा है और यहां गुरुवार को 38 और लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही माघ मेले में एक्टिव केसेस की संख्या 51 हो चुकी है। जी, और जो भी लोग माघ मेले में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि माघ मेले में उसी को शामिल होने का मौका मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। तो अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं तभी आपको इस मेले में एंट्री मिल पाएगी। तो यूपी में आज भले ही मकर संक्रांति है लेकिन मौसम चुनावी भी है, लिहाजा बाजारों में बिक रहे पतंगों पर भी चुनावी रंग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो आज के दिन जया पतंगबाजी बहुत होती है, पतंगें उड़ाई जाती हैं बाजार में। आज सीएम योगी, पीएम मोदी और अखिलेश यादव के नामों की पतंग भी मौजूद है और इन पतंगों के खरीदार भी खूब है। आज दिन भर ये पतंग आकाश में उड़ती दिखेंगी। और ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, मकर संक्रांति पर नेताओं वाली पतंग दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के नाम की पतंग दिखाई दी तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम के भी पतंग बेचे जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन इस वक्त जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मोहम्मद मोइन, अभी हमने तस्वीरें देखी जहां नेताओं के नाम की पतंग है, इन चुनावों में आखिर किसकी पतंग आकाश में उड़ेगी? मकर संक्रांति पर किसकी पतंग उड़ाएंगे और किसकी काटेंगे? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर, जहां आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। अभी सूरज नहीं निकला है, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति के पर्व से ही प्रयागराज के माघ मेले की शुरुआत हो रही है। 47 दिनों तक आस्था का ये मेला चलेगा। आज मकर संक्रांति से शुरू होकर
होकर 1 मार्च को महाशिवरात्रि तक ये माघ मेला चलेगा। 1 महीने तक यानी 17 जनवरी से 16 फरवरी तक यहाँ 1,00,000 से ज्यादा संत महात्मा और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कल्पवास करेंगे। और आपको बता दें कि कोविड के बीच ये मेला आयोजित हो रहा है, कोविड के बीच आज आस्था की डुबकी लग रही है। प्रशासन ने दावे बड़े बड़े किए थे लेकिन वो दावे उस तरीके से हकीकत पर उतरते हुए ग्राउंड पर दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं, श्रद्धालुओं का जो समूह है वो लगातार संगम की तरफ बढ़ता चला रहा है, लेकिन इनमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना मास्क के ही यहाँ पर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अगर हालात यही रहे तो जो आस्था का ये मेला है वो कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अरे हम यहीं पे रहते हैं, इलाहाबाद। तो बताइए कि यहाँ पर आप आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं आज के दिन? कि जो कोरोना महामारी बैठी है वो थोड़ा कम हो जाए। आप आदमी की श्रद्धा का है हमेशा, तो मकर संक्रांति तो आदमी श्रद्धा से ज़्यादा कोरोना बस बचाव करके ही आगे करना चाहिए, आदमी को ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है एहतियात बरत करके आए हुए हैं ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो जरूरी है, ये प्रशासन भी अब उसके खिलाफ सही कदम उठा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि संगम पर लंबा घाट बनाया गया, तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है और यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चले आ रहे हैं यहाँ पर। और देखिए तमाम और श्रद्धालु हमारे साथ बीच आ गए हैं। बताइए यहाँ पर आए हैं किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और क्या कामना करेंगे, गंगा मैया से क्या प्रार्थना करेंगे? गंगा मैया के दर्शन करेंगे और स्नान करके यहाँ पर से लोग चले जाएंगे, दर्शन करने के बाद कोई सामान वगैरह खरीद लेंगे। ये बताइए कोरोना इतना फैला हुआ है लेकिन इसके बावजूद आपने मास्क नहीं लगा रखा? मास्क सर लगाए हैं, गमछा लिए हैं अच्छे से जी। आप बताइए आप क्या कामना करेंगे आज गंगा मैया? गंगा मैया में नहाने धोने आए हैं, दर्शन करेंगे, दर्शन करके वापस चले जाएंगे जी। कोरोना के खात्मे के लिए भी गंगा मैया से गुहार लगाएंगे। बिल्कुल, ये श्रद्धालु जो है इसी तरीके से सिर पर आस्था की गठरी लादे हुए संगम की तरफ चले आ रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना का खतरा जरूर है लेकिन कोरोना लोगों की आस्था पर भारी नहीं साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों की अगर हम तुलना करें तो इस बार यहाँ पर तमाम लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ प्रार्थना यही करेंगे कि कोरोना खत्म हो, लेकिन भीड़ जुटना और उसके बाद ये प्रार्थना मिलकर करना ये भी बहुत विचित्र है एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद होंगे और आज वो गोरखनाथ मठ में रहेंगे और यहां वो मकर संक्रांति के मौके पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। साथ ही साथ आज वो बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये कार्यक्रम है जहां देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूजा अर्चना करेंगे, आज वे गोरखनाथ मठ में ही मौजूद रहेंगे और यहां वे मकर संक्रांति के मौके पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। साथ ही आज वो बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाएंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर मुख्यमंत्री गोरखनाथ मठ जरूर पहुंचते हैं। आज का भी मौका है मकर संक्रांति का और आज यहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना जरूर करेंगे। आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और देखिए हर साल इस तरीके की तस्वीरें मकर संक्रांति पर अनु आती है और मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचते हैं और वहां पर वो मठ जाकर सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं और जो भी विधि विधान आज के लिए होती है वो तमाम विधि विधान अनुष्ठान वो करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर बाबा गोरखनाथ को वो खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसका निर्वहन आज भी मुख्यमंत्री करते हैं। और चलिए अनु, आप ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी, तो मैं बताकर आती हूं, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल जया, चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी होता है ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूट ना जाए। ओवर टू यू जया। बिल्कुल अनु, क्योंकि आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। टिकटों के मंथन के साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान भी समाजवादी पार्टी ने किया है, लेकिन उसके अलावा भी आज कई अहम खबरें हैं जो अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। गृह विभाग में सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर है कि विजय सिंह मीणा कानपुर के नए पुलिस आयुक्त होंगे
और विजय सिंह आज कानपुर में चार्ज भी ले सकते हैं। लगातार इस पर मंथन किया जा रहा था और देखिए अब नाम सामने आ रहा है विजय सिंह का और आज वो चार्ज भी ले सकते हैं। बता दें कि विजय 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर वो कार्यरत हैं और इससे पहले वाराणसी के एडीजी रह चुके हैं, अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है। और दूसरी तरफ यूपी में कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 14,765 नए मामले रिकॉर्ड किए गए और इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो ये 71,022 तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में 24 घंटे में 2,213 नए कोविड के मरीज पाए गए। वहीं बीते 24 घंटे की बात की जाए नोएडा की स्थिति बहुत खराब है, 1,626 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में लगातार हम भी ये अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें, सजग रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। अनु बिल्कुल जया, असीम अरुण के पदभार छोड़ने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन कानपुर का नया पुलिस आयुक्त तो होगा और अब ऐसा लग रहा है कि विजय सिंह मीना को ही ये जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी अहम है कि यूपी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से चुनावी समर है, चुनावी इस वक्त जया लोग प्रचार प्रसार में डिजिटली और बाकी माध्यमों से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो घट रही हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और टिकटों को लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन चल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सूची जारी भी की जा चुकी है और जानकारी है कि आज भी एक सूची जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी आज शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज जो 14 तारीख आज ही से पहले नामांकन का सफर शुरू हो जाएगा और इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, साथ ही गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए आज नामांकन किया जाएगा और मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होने वाली है। पहले चरण में जिन 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा उनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। तो ये तमाम सीटें हैं जया जिन पर मतदान तो होना है और नामांकन की प्रक्रिया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश होगी। इसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सरधना, मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास नजर रहने वाली है। वही चुनावी रैलियों पर रोक लगने के बाद प्रियंका भले लाइमलाइट से दूर हो गई हो लेकिन उन्होंने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है। ये वादा था 40% महिलाओं को टिकट देने का। बिल्कुल, महिलाओं को आगे रखकर ही जया प्रियंका गांधी इस चुनाव को लीड कर रही थी। जिन 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है इसमें 40% महिलाएं ही हैं, मतलब 50 महिलाएं। इस लिस्ट में ऐसी महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में कई लोगों ने सोचा तक नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। लड़कियों को लड़ाकू बनाने का दम भरने वाली प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वादे के मुताबिक प्रियंका ने पहली लिस्ट में 40% महिला उम्मीदवारों का ऐलान किया, मतलब 125 में से 50 महिलाएं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा CAA के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदब जाफर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। प्रियंका ने इस लिस्ट में आशा वर्कर पूनम पांडे को भी रखा है। महिला पत्रकार, अभिनेत्री और समाज सेवियों के अलावा सलमान खुर्शीद की पत्नी को भी टिकट दिया गया है, जबकि सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित
रामराज गोंड को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, उन्नाव में जिसकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। 125 उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के 57 उम्मीदवार हैं, जबकि ओबीसी और दलितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रियंका ने 20 मुस्लिम चेहरों को भी जगह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जो है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि नेता कोई वादे करें और उन्हें पूरा भी इस तरह से करें जो कांग्रेस इस वक्त करती नजर आ रही है। चलिए और अब बात पहली लिस्ट की कर लेते हैं जो जारी हो चुकी है। यूपी फतेह की तैयारी है। सपा और रालोद ने अपनी 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 सपा के और 19 रालोद के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल अनु, और इस लिस्ट के आने से सपा और रालोद के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगाई जा रही अटकलें खत्म हो चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पश्चिमी यूपी का सियासी मिजाज बदलने के लिए सपा और रालोद ने अपने गठबंधन की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में सपा के 10 उम्मीदवार हैं, जिनमें कैराना से नाहिद हसन, चरथावल से पंकज मलिक, किठौर से शाहिद मंजूर, मेरठ से रफीक अंसारी, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, धौलाना से असलम चौधरी, कोल से सलमान सईद, अलीगढ़ से जफर आलम, बाह से मधुसूदन शर्मा, आगरा कैंट से कुंवर वकील सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं 29 उम्मीदवारों में 19 रालोद के उम्मीदवार हैं, जिसमें पुरकाजी से अनिल कुमार, शामली से प्रसन्न चौधरी, खतौली से राजपाल सिंह, नहटोर से मुंशी राम, बागपत से अहमद हमीद, लोनी से मदन भैया, मोदी नगर से सुदेश शर्मा, हापुड़ से गजराज सिंह, जेवर से अवतार भड़ाना, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, सियाना से दिलनवाज खान, खैर से भगवती प्रसाद, सादाबाद से प्रदीप चौधरी, छाता से तेजपाल सिंह, गोवर्धन से प्रीतम सिंह, बलदेव से बबीता देवी, आगरा ग्रामीण से महेश कुमार, फतेहपुर सीकरी से ब्रजेश चाहर, खेरागढ़ से रोतान सिंह को रालोद की तरफ से टिकट मिला है। ये समाजवादी पार्टी और रालोद की पहली लिस्ट है। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आएगी। इस लिस्ट ने रालोद और सपा के बीच सीटों को लेकर फंसे पेच की तमाम अटकलों को खत्म कर दिया है, जो सपा गठबंधन की बैठक में जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी के बाद उठ खड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, और रतीश त्रिवेदी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जया रतीश, ये जो पहली लिस्ट आ चुकी है, किस तरह से इसे देखा जाए, कैसे ये टिकटों का बंटवारा किया गया है और कितनी कॉन्फिडेंट इसमें ये दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है और उससे पहले जो पहली लिस्ट आई वो साफ तौर पर ये बताती है कि अखिलेश यादव कैसे अपने गठबंधन के साथियों को लेकर के साथ में चल रहे हैं। 29 लोगों की, 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 19 उम्मीदवार आरएलडी के हैं और 10 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज दूसरी और तीसरी लिस्ट आनी है समाजवादी पार्टी की और इसको लेकर के तमाम अटकलें हैं, लेकिन एक बात देखने में ये ज़रूर लग रहा है कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें सभी अपने गठबंधन के साथियों का साथ दिया जा रहा है और कई चरण की मुलाकात हुई थी जयंत चौधरी ने, कई चरण की मुलाकात की थी अखिलेश यादव से और ये कहा जा रहा था कि गठबंधन में सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, लेकिन शुरुआती लिस्ट के को देखने के बाद ये लगता है कि अब कोई पेच फंसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बड़प्पन दिखाते हुए 19 सीटें आरएलडी को दी गई हैं, ऐसे में उम्मीद ये लगती है कि आने वाली जो लिस्टें हैं, जो आज आनी है लिस्ट, उनमें ओम प्रकाश राजभर और महान दल, तमाम जो ऐसे नेता हैं, कृष्णा पटेल कमेरावादी जो अध्यक्ष हैं पार्टी की,
तमाम लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा। और आज सियासत का केंद्र समाजवादी पार्टी का कार्यालय ही है। कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि आज प्रदेश मुख्यालय पर अभी से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। हालांकि कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में जरूर हैं, लेकिन कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही कार्यकर्ता शाहजहांपुर और सुल्तानपुर से यहाँ देखने को मिले थे। वो भी जान रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि आज का दिन काफ़ी बड़ा है और उत्तर प्रदेश की सियासत को तय करने वाला दिन है, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात हुई है और जो खिचड़ी चल रही है उसके तहत आज बड़ी ज्वाइनिंग भी होनी है और समाजवादी पार्टी में आज बड़े नाम जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के उन्होंने अपना रास्ता समाजवादी पार्टी के साथ चुना है। लिस्ट भी जारी होगी और तमाम झटके भी भारतीय जनता पार्टी को दिए जाएंगे। बिल्कुल रतीश, और देखिए खिचड़ी की दावत में आज कौन कौन पहुंचता है ये देखना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कई बार ये संकेत दिया कि 14 जनवरी को बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। तो नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। रायबरेली में आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने शुरू की जांच पड़ताल। डिग्री कॉलेज चौराहे पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव पाल की भी रोकी गई गाड़ी। कानपुर में भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का अजब गजब प्रचार। नहाने के दौरान राजू नाम के शख्स से मिले, बोले योजना में घर मिला, ध्यान रखना। वाराणसी में इलेक्शन मोड में कमिश्नरेट। लंका क्षेत्र में वाराणसी कमिश्नरेट ने किया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के जरिए दिखी सुरक्षा व्यवस्था की चुस्ती। हाथरस से भाजपा सदर विधायक हरिशंकर माहौर ने के भाजपा के इस्तीफे के पत्र का सोशल मीडिया पर वायरल होना, विधायक ने पत्र को बताया है फर्जी।